नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने विद्युत विभाग गुहला के प्रांगण में 2004 से बंद हुई पेंशन बहाल करवाने को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं की गई तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान राजेश सीड़ा ने कर्मचारियों को 7 अक्टूबर को रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक सेक्रेटरी प्रेम सागर ने बताया कि सेंटर सरकार में 2004 व हरियाणा सरकार में 2006 के बाद कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी पेंशन सरकार ने बंद की हुई है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान राजेश सीड़ा ने कहा कि सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर एक घंटे के लिए भी मंत्री बन गया तो वह सारी उम्र पेंशन लेने का हकदार बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक कर्मचारी अपनी सारी उम्र पब्लिक की सेवा में लगा जाता है और अंत में उसको अपने खुद के जमा पैसे भी पूरे नहीं मिलते। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि या तो अपनी पेंशन भी छोड़ दें या हमारी पेंशन भी लागू करवा दें। सर, ऐसा है कि हमारा जो आज की नारेबाजी थी वो पुरानी पेंशन बहाल करो संघर्ष समिति के बैनर के नीचे थी। हमारे जो भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2004 के बाद और हरियाणा सरकार में 2006 के बाद लगे हैं, उन सभी कर्मचारियों की सरकार ने पेंशन बंद की हुई है। हमारी इस सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मनोहर लाल जी से, हरियाणा सरकार से यही अपील है कि आप पहले के मुलाजमों की तरह हमारी भी ये पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति की जो डिमांड है उस पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ताकि जो भी कर्मचारी 2004 के बाद या 6 के बाद लगा है वो इस पेंशन का लाभ उठा सके। हमारा जो कल 3 तारीख को हमारी ब्लॉक की मीटिंग है, उस मीटिंग में हम 7 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उस बारे में पूरे प्रदेश का कर्मचारी उनसे मिलेगा और अपनी बात जोर शोर से रखेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और उसको अमल में लाएगी। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी गई तो अगली क्या रणनीति रहेगी? यदि सरकार फिर भी हमारी ये मांग नहीं मानती तो 7 अक्टूबर को जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी वो एक आंदोलन का रूप ले लेगी। उसके बावजूद इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। और क्योंकि हमने एक एक ब्लॉक के MLAs और हर एक कंस्टिट्यूएंसी के MP को पहले ही ज्ञापन देकर अपनी इस मांग को उठाया है और अब हम सरकार से चाहते हैं कि वो हमारी ये मांग पूरी करे, अन्यथा इसकी जो भी जिम्मेदारी वो सरकार की हो।